सेबी ने सच में मार्जिन खत्म कर दिया पूरा का पूरा, जैसा कि वो अनाउंस कर चुके हैं, तो बिना मार्जिन लेवरेज के कैसे ट्रेडिंग होगी इंट्राडे? और ऐसे बहुत सवाल होते हैं हम सब लोगों के मन में। यही सारी चीजों को लेकर के मैं दुबई आ गया ताकि मैं अपना आराम से फॉरेक्स कर पाऊं। तो आप कैसे कर सकते हैं, उस पे ये वीडियो है। हेलो गाइस, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड वेलकम टू दिस लॉन्ग अवेटेड फॉरेक्स सीरीज बोल सकते हैं। इसके बाद में दो तीन वीडियोस और लाऊंगा। तो इस वीडियो को आपको इसलिए देखना चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्या होता है फॉरेक्स, अच्छा पता है क्या होता है, कैसे करते हैं फॉरेक्स, टर्मिनोलॉजी क्या होती है, पिप्स क्या होते हैं, लॉट साइज क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, इसमें टाइम फ्रेम कौन सा यूज करूं, इसमें लेवरेज कितना होता है, 1:50, 1:100, 1:500 कितना मेरे लिए सही है, कैसे कैसे इंडिया में क्यों इलीगल है फॉरेक्स, किस तरीके से मैं लीगली कर सकता हूं फॉरेक्स, और किस तरीके से मैं एक अपनी अर्निंग मेंटेन कर सकता हूं फॉरेक्स के साथ भी, क्या एडवांटेज है फॉरेक्स का ओवर द स्टॉक मार्केट। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो मेक श्योर यू हैव टाइम, पॉज दिस वीडियो, लाइक कर दो और वॉच लेटर में डाल दो, आराम से बैठ के ईयरफोन्स लगा के बड़ी स्क्रीन पे देखना, क्योंकि ये एक वीडियो आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा। चार वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर आप इस चैनल के रेगुलर सब्सक्राइबर हो आपको मालूम है किस तरीके से चीजें एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। सो आई वॉन्ट योर फुल अटेंशन इन दिस वीडियो, ओके? तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं फॉरेक्स का वीडियो। बहुत दिनों से वेट था आप लोगों को, इसमें सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि होता क्या है थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली चीजें भी बताऊंगा, आप इसको अप्लाई भी कैसे कर सकते हैं, पूरी कैलकुलेशन बताऊंगा, पिप्स का मतलब क्या होता है, लॉट साइज क्या होते हैं, क्या होता है MT4 और कैसे ब्रोकर होते हैं, हमारे को चैलेंजेस क्या है, हमारे को एडवांटेज क्या है स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट में, लेवरेज, सारी चीजें। बट उसके पहले मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। एज अ ट्रेडर साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है ट्रेड करने के, चाहे फॉरेक्स करें चाहे स्टॉक करें ऑप्शंस करें। आप लोगों को सिंपल तरीके से बता रहा हूं, आप लोगों को द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज माइंडसेट, और माइंडसेट बेस्ट करने के लिए आप लोगों को एक टूल दे रहा हूं मैं, मेडिटेशन। अगर मेडिटेशन कई लोगों को मालूम नहीं होता कैसे करना है मेडिटेशन, अगर आप इस जगह पे आते हो इस चैनल पे, ये भी मेरा ही चैनल है, ये वीडियो मैंने लॉन्च किया है 2-3 दिन पहले, इस पे 24,000 व्यूज हो गए हैं, सिर्फ 33,000 सब्सक्राइबर्स है मेरे, और इस सीरीज में मैंने पूरी तरीके से बताया है किस तरीके से मेडिटेशन आप कर सकते हैं, 742 कमेंट्स हैं, तो ये एक सीरीज है। अभी मैं मेडिटेशन 2 का भी वीडियो डालने वाला हूं। सो आई वांट यू टू प्लीज जब भी टाइम मिले इस चैनल पे आकर के मेडिटेशन करना चालू कर दो, आपको ट्रेडिंग में मदद मिलेगी। बैक टू द टॉपिक, व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेक्स का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। एक ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड मतलब कि जैसे आरबीआई एक सेंट्रलाइज्ड बैंक है हमारे कंट्री में, डिसेंट्रलाइज्ड हर जगह पे, नॉट इन जस्ट वन कंट्री, इन्हीं को हम ओटीसी भी बोलते हैं, ओवर द काउंटर मार्केट फॉर ट्रेडिंग ऑफ करेंसीज। जैसे हम स्टॉक मार्केट में रिलायंस, एसबीआई, निफ्टी इंडेक्स वगैरह को ट्रेड करते हैं कमोडिटी, वैसा फॉरेक्स मार्केट में करेंसी ट्रेड करते हैं। ओके, नाउ ये जो फॉरेक्स मार्केट है सबसे लार्जेस्ट मार्केट है वर्ल्ड का, अराउंड $5 trillion का, इसमें अराउंड $6.6 trillion का ट्रांजैक्शन पर डे का होता है। अब ये सारी बातें छोड़ो, अब मैं आपको सीधे बताता हूं, अब काम की बातें बताता हूं। बेसिकली होता क्या, मैं आपको पहले स्टार्ट पे लाता हूं, ठीक है, यहां पे लाता हूं, आपको दिखा देता हूं फॉरेक्स पेयर्स दिखते कैसे। ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं, कैसे, ये देखो, यूरो यूएसडी, यूएसडी यूएसडी CAD कैनेडियन डॉलर, GBP यूएसडी, हमें इनमें ट्रेड करना होता है। मतलब मैं यूरो बाय करूंगा और यूरो अगर बढ़ेगा तो मेरा बेनिफिट होगा, और यूरो शॉर्ट करूंगा गिरेगा तो मेरा बेनिफिट होगा, इस तरीके से मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। इसमें गोल्ड भी आता है, गोल्ड फॉरेक्स नहीं है गोल्ड, लेकिन जो फॉरेक्स ब्रोकर होते हैं वो गोल्ड भी ट्रेड करने देते हैं, क्रिप्टो भी ट्रेड करने देते हैं, अलॉट ऑफ ब्रोकर्स आर देयर, मैं बताऊंगा उस बारे में भी। तो इस तरीके का कुछ दिखता है, इनके नंबर कुछ इस तरीके के दिखते हैं, 1.2158, 1.2634, 1.3722, 0.9800, यूएसडी जेपी बाय 10, ऐसे नंबर्स होते हैं, ये दिखा दिया मैंने। अब मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि ये किस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई विल शिफ्ट द वीडियो टू माय आईपैड नाउ, एंड चलो आईपैड पे ले आया अभी मैं, अब आपको यहां से अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। ओके, द पेज इज ऑलरेडी क्लियर। ऑलराइट गाइस, सो
सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं, बेसिकली फॉरेक्स क्या होता है, मैंने बताया फॉरेन एक्सचेंज, जिसमें हम करेंसी ट्रेड करते हैं, ठीक है। ओके, अभी करेंसी के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हमने देखा यूरो, यूरो यूएसडी। तो इन जैसे वन पॉइंट कितना लिखा हुआ था, मैं यहाँ पे देख के आपको बताता हूँ क्या राइट, 1.2158, ठीक है, ये प्राइस है। अभी इसको बाय कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते, सारी बातें मैं क्लियर करता हूं। चलो स्टार्ट कर, कंपेयर करते हैं स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है, क्या करना पड़ता है, जीरोधा में अकाउंट खुला लो, एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खुला लो। जीरोधा एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खुलाने के बाद ये आपका ब्रोकर बन गया, ये आपका ब्रोकर अकाउंट, ये आपका ब्रोकर है। अभी इस ब्रोकर के पास आपका, आप इसी पे पैसे डिपॉजिट करते हो, है ना, आप मनी इस पे डिपॉजिट करते हो डॉलर्स या रुपीस, एंड देन ट्रेडिंग भी इसके थ्रू करते हो, जो एनएससी से कनेक्टेड है ये, और ये आपका ट्रेड वगैरह करके आप विड्रॉ भी इसी से लेते हो जीरोधा से, ठीक है, सिंपल है। जीरोधा लॉग इन करने के दो तरीके हैं, वेब एप्लीकेशन पे, वेबसाइट पे जाते हो zerodha.com पे या angelbroking.com पे, या काइट एप्लीकेशन का यूज करते हो। काइट एप्लीकेशन बोलने का काइट है तो जीरोधा एप्लीकेशन ही ना, नाम ही बस तो काइट है, मतलब आप एक ब्रोकर के सॉफ्टवेयर से, मोबाइल ऐप से ट्रेड करते हो, राइट, सिंपल, एकदम सिंपल कहानी है स्टॉक मार्केट की। यहां पे थोड़ा डिफरेंस है, यहां पे क्या करते हैं हम लोग, यहां पे हम लोग एक एमटी, मेटा ट्रेडर, मेटा ट्रेडर नाम की कंपनी, जो सबसे फेमस कंपनी है, इसलिए बाकियों की बात ही नहीं करेंगे, मेटा ट्रेडर नाम की कंपनी है, इनके सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे कि काइट एप्लीकेशन है जो सिर्फ जीरोधा का है, मेटा ट्रेडर 5 अब से हम यूज करेंगे, एमटी 5 इज अ न्यू वर्जन ऑफ एमटी 4, एमटी 5 हम यूज करने वाले, एमटी 5 नाम है, एमटी 5 एक ऐसा वर्जन है जैसे, क्या एंजल ब्रोकिंग वाले काइट यूज कर सकते, नहीं, शेयर खान वाले यूज कर सकते काइट, नहीं, कोटक वाले, नहीं, लेकिन MT5 एक ऐसा ऐप है जो यूनिवर्सल ऐप है, आपका ब्रोकर नहीं है MT5, ये सिर्फ एग्जीक्यूशन ऐप है। कैसा दिखता है दिखाऊंगा आपको, कुछ इस तरीके का लोगो दिख रहा है, मेटाट्रेडर 4 उस तरीके का दिखता है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। तो यहां पे अब आपको एक ब्रोकर ढूंढना है, एक अच्छा ब्रोकर, ब्रोकर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ऑब्वियसली ट्रस्टेबल हो, पे आउट आपका टाइमली आ जाए, और उसका सॉफ्टवेयर अच्छे से काम करे, और दूसरी बात वो आपको थोड़ा लेवरेज भी अच्छा प्रोवाइड करे, लाइक फॉरेक्स में 100 times, 200 times, 500 times तक का मार्जिन लेवरेज मिलता है, ठीक है। कई लोग कम देते, कई लोग ज्यादा देते, कई तो जो 500 के ऊपर तो लेना ही नहीं चाहिए, 1000-2000 वाले भी है, ऑल दोज आर नॉट गुड, ऑब्वियसली बात है, वो यूज नहीं करना है, उतना लेवरेज यूज करके आप लॉस ही करोगे। एनीवेज, तो अभी हमने क्या बात की कि हमारे को ये जो, ये देखो, ये जो कंपनी है मेटा ट्रेडर, ये मैंने गूगल किया मेटा ट्रेडर, ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, और ये रहा MT5 का ऐप, इस तरीके का ऐप होगा जो आपको मेरे को इंस्टॉल करना है, और इससे हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे, जैसे ही ट्रेडिंग करना है कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द, ये वैसा है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, वापस आपको यहाँ पे लाता हूं, और सीधे काम की बात करते हैं, हम क्या करें, ठीक है, हम क्या करें अभी। अब हमें एक ब्रोकर अकाउंट खोलना है, मैंने दो ब्रोकर चूज किए हैं, टू ब्रोकर्स आई हैव चूजन। देखो मैं तो दुबई आ गया हूं, मेरे को प्रॉब्लम है नहीं, मैं तो दो ब्रोकर इसलिए चूज किए हैं कि एक ब्रोकर मतलब दो अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग करूंगा, और अलग अलग तरीके से पे आउट है, कुछ मेरे को क्रिप्टो में चाहिए, कुछ मेरे को कैश चाहिए, कुछ मेरे को अकाउंट में चाहिए, मेरे लिए सारी चीजें पॉसिबल है। आपके लिए क्या पॉसिबल है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा आप किस में अकाउंट खोले, क्या लेवरेज मिलेगा, कितनी जल्दी पे आउट मिलेगा, ट्रस्टेबल है कि नहीं है, सॉफ्टवेयर कैसा काम करता है, सब कुछ मैं अगले वीडियो, अभी अपन समझते हैं हम लोग को ट्रेड करना है, ट्रेड कैसे करते हैं उस पे आते हैं। तो ब्रोकर का अगली वीडियो में बात करेंगे, MT5 में अकाउंट खोलेंगे, MT5 में ऐसा क्या लॉग इन करना पड़ता है, आईडी पासवर्ड मिलेगा आपको, लॉग इन करके अकाउंट बन गया, डिपॉजिट किया आपने ब्रोकर के, यहाँ पे पैसा MT4 को नहीं ब्रोकर को डिपॉजिट करोगे, वो यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ से ट्रेडिंग करोगे, ट्रेडिंग कहाँ होती, एक्सचेंज, एक वर्ल्ड, एक बैंक्स का नेटवर्क है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, वहां पे ये ट्रेडिंग चल रही होती है, और सारा का सारा कुछ आपको पे आउट आपका यही ब्रोकर आपको प्रोवाइड करके देगा। तो इस तरीके से आप हमारा फॉरेक्स मार्केट काम करता है। अब वाई फॉरेक्स एडवांटेज क्या है फॉरेक्स का, देखो सबसे पहले ये 24 आवर्स ओपन है, 24 आवर्स ओपन है, 5 days अ वीक, मंडे से फ्राइडे ये 24 घंटे खुला हुआ है, ओके, तो देर आर नो गैप्स, गैप नहीं आते। अगर आप स्विंग ट्रेड भी लेते हो जैसे स्टॉक मार्केट में, तो आपको डर लगता है कि फ्यूचर लॉट है, कहीं बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा, या कुछ भी हो सकता है, अगले दिन गैप डाउन गैप अप और बहुत सारी चीजें खराब, बट यहां पे मार्केट बंद ही नहीं होता। अगर आपने आपका स्टॉप लॉस प्लेस किया हुआ है
तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो स्टॉप लॉस ही होगा ज्यादा से ज्यादा। तो इसमें स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती है, और मुझे लगता है थोड़ा टाइम देना चाहिए हम लोगों को इंट्राडे में। क्या बहुत जल्दी जल्दी चीजें कर इसमें वो भी कर सकते हो, फास्ट ट्रेडिंग भी कर सकते हो कि 4 घंटे 5 घंटे में भी एग्जिट कर गए, बट मोस्टली मैं स्विंग ट्रेड प्रेफर करूंगा, जो डेफिनेटली कुछ मैं इंटर मतलब शॉर्ट टर्म भी करूंगा लॉन्ग टर्म भी करूंगा, बट लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रेफर करूंगा, शॉर्ट टर्म भी करूंगा। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए या इवन स्मॉल टाइम ट्रेडिंग के लिए ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि जल्दी से हमारे को स्टॉप लॉस की मतलब स्टॉप लॉस की प्रॉब्लम नहीं आती, स्टॉप लॉस आपका सिस्टम में रहेगा। ठीक है, अब पहला ये हो गया बात इसमें ये। दूसरा लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम इन द वर्ल्ड इसी में मिलेगा आपको फॉरेक्स में। ठीक है, अभी फॉरेक्स के मेजर पेयर्स क्या क्या होते हैं मैं दिखाता हूं आपको। फॉरेक्स के मेजर पेयर्स जो होते हैं आपको मैं अपनी मेरी वॉचलिस्ट दे दूंगा, जो सिंपल है बता देता हूँ। यूरो, यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, कैनेडियन डॉलर्स, ठीक है, स्विस फ्रैंक, जेपीवाई मतलब जापानीज येन, ये कुछ मेजर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ठीक है, ये कुछ मेजर पेयर्स हैं, इनको मेजर पेयर्स कहते हैं। फिर कुछ माइनर पेयर्स हैं, और फिर तीसरे होते हैं एग्जॉटिक पेयर्स, जो मतलब जैसे यूएस इंडियन रुपीज, एग्जॉटिक, एग्जॉटिक मतलब थोड़ा कम मतलब उसमें वॉल्यूम रहता है, एनीवेज इतना तो रहता है कि आप ट्रेड कर पाओ। चलो अब हमने ये भी समझ लिया, अब इसका एडवांटेज मैंने बता दिया, एडवांटेज क्या है, और एडवांटेज मार्जिन लेवरेज, इसमें हमको काफी ज्यादा लेवरेज मिलता है। कैसा लेवरेज मिलता है, 100, 200 अप टू 500 times का लेवरेज मिलता है हम लोगों को। ठीक है, लेवरेज एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। डिसएडवांटेज एक ही है, वैसे तो कोई डिसएडवांटेज है नहीं इसका, एक ही डिसएडवांटेज इंडियंस के लिए कि हम इंडियंस लीगली इसमें, मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था, मैंने अपना क्रिप्टो से पे किया था एक ब्रोकर को, उसने एक्सेप्ट तो कर लिया, पे आउट दिया नहीं मुझे कभी भी इसमें। अब तो मैं अपने अकाउंट में मंगा लूंगा, क्योंकि मेरा अकाउंट यहाँ खुल गया है, क्योंकि मैंने जब पे आउट मांगा तो उन्होंने आईसीआईसी बैंक को पे आउट भेजा, आईसीआईसी बैंक ने रिजेक्ट कर दिया। इंडिया में अपने बैंक अकाउंट में इस तरीके से आप डायरेक्टली फॉरेक्स कंपनी से पे आउट नहीं ले सकते। देखो ट्रेड करना तो देखो ऑनलाइन ट्रेड कर रहे हो, इंटरनेट तो किसी कंट्री का है नहीं, है ना, वो तो ऑब्वियस ही बात है, एक इंटरनेट तो किसी कंट्री का नहीं है, आप डेफिनेटली ऑनलाइन कुछ भी कर सकते हो। बट बात जब पे आउट मांगना होता है अकाउंट में, देखो मैंने क्रिप्टो में दिया था, मुझे लगा क्रिप्टो में मिलेगा, क्रिप्टो में मिला नहीं, अकाउंट में वो पैसा फंस गया, बट अब मैं यहाँ आ गया तो मेरा निकल जाएगा। बात करते हैं आप कैसा कर सकते हो, आप कैसा डील करोगे इसमें, मैं आपको अगली वीडियो में बात करूंगा उस बारे में। एनीवेज अब मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ रिगार्डिंग दिस नंबर। अब हम लोगों को फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए फॉरेक्स के टेक्निकल्स जानना जरूरी है। क्या टेक्निकल्स जानना जरूरी है, ये टेक्निकल्स जानना जरूरी है कि कैसे मतलब क्या है ये नंबर्स। वापस लाता हूँ यहाँ पे, ओके यहाँ लाता हूँ। और अच्छा, अब इंडिया में स्टेटस क्या है, इंडिया में स्टेटस ऐसा है कि इंडिया में आप ट्रेड कर सकते हो फॉरेक्स, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतने पेयर्स में कर सकते हो। कितने, ये देखो, जैसे अगर आप यहाँ पे यूएसडी लिखोगे तो आ गए देखो इतने सारे फ्यूचर और ऑप्शंस आईएनआर के साथ। ऐसे ही अगर आप सर्च करोगे यूरो तो यूरो के साथ भी आ जाएगा आईएनआर, देखो आगे यूरो आईएनआर। इसके अगर चाहोगे तो जेपीवाई आईएनआर लिखोगे ना तो भी आ जाएगा, जेपीवाई आईएनआर आ गया, और एक आ जाएगा जीबीपी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर के 4 पेयर अलाउड है, लेकिन यार ये 5 बजे बंद हो जाता है, गैप आ गया, क्या मतलब है। तो दिस इज नॉट द रियल फॉरेक्स, एंड इसमें वॉल्यूम भी अलग होता है जो इंडियन लोग ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा बोलते थे यूरो यूएसडी भी ले आए हैं, बट ले भी आए तो कौन ना असली वॉल्यूम मिलेगा मुझे, यूरो यूएसडी तो दिखता नहीं ज़ीरोधा में, आई थिंक है भी नहीं। तो ये 4 पेयर्स हैं जो ज़ीरोधा में आपको दिखते हैं करेंसी के अंदर, बट ये जो पेयर्स हैं यार, ये यूएसडी, यूरो, यूएसडी, यूएसडी कैड, अच्छा इसको पढ़ते कैसे, यूरो बेस करेंसी हो गई, यूएसडी सेकेंडरी करेंसी हो गई, तो यूरो मेन है यहाँ पे। यूरो जब ऊपर जाएगा, क्लिक करते हैं, अगर यूरो यूरो ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं पैसे कमाऊंगा, अगर मैं बुलिश हूं तो, मैंने बाय किया हुआ है तो। और यूएसडी, यूएसडी वो वीक होगा, यूरो स्ट्रांग होगा तो मैं बुलिश होकर के पैसे कमा पाऊंगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। यूएसडी कैड, कैनेडियन डॉलर, जीबीपी यूएसडी, पाउंड यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, स्विस फ्रैंक, न्यूजीलैंड डॉलर मेजर पेयर है। बीटीसी, बीटीसी करेंसी नहीं है ना, एक्सएयू गोल्ड भी करेंसी नहीं है, क्रूड ऑयल भी करेंसी नहीं है, लेकिन ये जो ब्रोकर्स है ना, लेकिन ये भी 24 घंटे ओपन होने वाले एसेट है। गोल्ड, बीटीसी, क्रूड ऑयल, इन पे भी ट्रेडिंग होती है, हमारे एंट्री में वही होता है, रात को 12 बजे बंद कर देते कमोडिटी मार्केट भी। इस मार्केट से आप कमोडिटी भी ट्रेड कर सकते हो उस ब्रोकर के साथ, जहां पे आपको ट्रेड करने के लिए गोल्ड, सारे के सारे कमोडिटी, इनफैक्ट फॉरेन मार्केट्स भी आपको कुछ कुछ मिलेंगे जो ब्रोकर मैं सजेस्ट करूंगा उसमें आपको। यूरो जेपीवाई,
ये तो डाउ जोन्स है तो मैंने एनालाइज करने लगा, ये सब कोई काम, ये सब माइनर पेयर्स है, यूरो यूएसडी, यूरो जीबीपी, यूरो जेपीवाई, यूएसडी, तो ऐसे मेरी लिमिटेड वॉचलिस्ट है, मैं और शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो इनमें ये जो नंबर्स लिखे ना गाइस, इनको कैसे समझे, राइट नाउ 1.21579, देखो 576, 573, 571, देख रहे हो कैसा छोटा छोटा चेंज आ रहा है, 568, 571, 569। मैं पैसे अभी यहां सिंपल है, इंडियन मार्केट में क्या करना है, सिंपल है, इंडियन मार्केट में हम लोगों का क्या करना है, इंडियन मार्केट में जितने रुपए बढ़े उतना मेरा प्रॉफिट हो गया। यहां पे हम कैलकुलेट, जैसे बैंक निफ्टी का सिंपल है, अगर मैंने बाय किया हुआ है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी मेरा यहां से, बैंक निफ्टी मेरा यहां से सिंपल है, यहां से यहां तक शॉर्ट किया मैंने, तो मुझे यार 400 रुपए पर लॉट पे, मतलब पर 429 × 25 एक लॉट पे मैं कमा लूंगा, ये सिंपल कैलकुलेशन है रुपीस मेरे। यहां पे थोड़ा अलग है, यहां पे हम बात करते हैं पिप्स में, क्या पिप्स, व्हाट इज पिप्स, तो पिप्स, पिप्स की अगर मैं ऐसे बात रखूंगा इसका मतलब होता है प्राइस परसेंटेज इन पॉइंट और प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट, डेफिनेशन से कुछ नहीं होता। यहां पे जो एक एक मूवमेंट है ना, आप लोगों को दिखाऊं, यहां पे जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोलता हूं, यहां पे जो ये मूवमेंट है स्केल है, ये स्केल से जब मैं यहां से यहां तक लाता हूं तो स्केल मुझे बता रहा है कि क्या ये कितने पिप्स है, एक मिनट, ये स्केल, अगर मुझे मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जानना है, ये यहां तक का, तो ये मेरे 18 पिप्स हैं। अब 18 पिप्स को मैं मनी में कैसे कन्वर्ट करूं, ये समझना एक टास्क है, अभी मैं आपको समझाता हूं, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो स्टार्ट करते हैं, पिप्स क्या होते हैं समझना, ओके। चलो अब मैं आपस से आपको आईपैड पे लाता हूं, यहां पे लाता हूं, इस वन मिनट, ठीक है। तो यार पिप्स का मतलब होता है, जो देखो सबसे पहले ना, सिर्फ वन पॉइंट के बाद जो चार डिजिट है, ये डिजिट नंबर वन टू थ्री फोर, डेसिमल के बाद जो चौथा नंबर है ना, ये वन पिप है, इसको आप वन पिप मानेंगे। अगर मतलब इसको 0.0001, ये एक पिप हुआ, मतलब समझाता हूं, अगर अचानक से चेंज हो के ये 1.2168 नहीं 68 नहीं करते 59 हो जाता है, कितने पिप्स बढ़ गए, एक पिप बढ़ गया। अभी पिप को मनी में बाद में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, अभी आप पिप समझो, अगर एक पिप हो गया, अगर ये बढ़ के अचानक से 68 हो गया तो कितने पिप्स बढ़ गया, हम 10 पिप्स आगे आ गए। अगर ये बढ़ के 1.2258 हो गया तो हम कितने पिप्स बढ़ गए, देखो 100 पिप्स बढ़ गए। तो पिप्स कैलकुलेट करने का सिंपल सा फंडा है, देखो वहां तो स्केल दिया हुआ है ट्रेडिंग व्यू पे, स्केल ना आपके खत्म करो, लेकिन फिर भी नॉलेज चाहिए, तो आपको समझना है कि अगर इसमें, कि अगर इसमें चौथे पॉइंट में 1.2179 हो गया तो कितने पिप्स बढ़ गया, 10, 20, 10, 68, 20, 78, 21, तो 21 पिप्स का मूवमेंट आ गया, तो इसको कहते हैं पिप्स, ओके। मतलब जो चौथी डिजिट है उसको कहते हैं पिप्स। अगर आपको पांचवी डिजिट दिखती है ना कभी किसी में, 9 में लिखा है, उसको इग्नोर करना है, क्यों इग्नोर करना है, कि वो इतनी छोटी वैल्यू है कि उसको आपको कंसिडर नहीं करना है किसी भी केस में। तो हमेशा से चार डिजिट पकड़ना है और जो आखिरी का डिजिट है वो एक पिप रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, तो आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और वन वन को तो गिनते भी नहीं, सीधे 2158, 2156 ऐसे बात करते हैं इसमें, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूं, अब मैं एग्जांपल लेता हूं यूएसडी सीएडी का, ठीक है, यूएसडी सीएडी ये अभी चल रहा है 1.26269 दिखा रहा है, 9 क्या है, 9 ऐसे दिखा रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, चार डिजिट तक के को ही मानना है, नहीं छह पांचवा छठवा, चार डिजिट तक को ही अपन को मेन मानना है। इसके बाद ये अगर इसमें अचानक से बढ़ के मूवमेंट 2634 आ गया, कितने पिप्स की मूवमेंट बढ़ गई देखना एक बार, 8 पिप्स की मूवमेंट आ गई। तो चलो आई होप आपको पिप्स समझ में आया होगा कि फोर्थ डिजिट को पिप्स कहते हैं। और अभी पिप्स को मैं आपको पैसों में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा आपको कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो मैं आपके साथ, जस्ट 1 मिनट, आपके साथ मैं मेरा मोबाइल शेयर करता हूँ ताकि वाईफाई बूमिंग वुल्स कनेक्ट करूँ। 1 मिनट। ओके, नाउ आई विल शेयर। मैं मोबाइल स्क्रीन विद यू, इसे डिस्कनेक्ट करते हैं। जस्ट 1 मिनट। ओके, जस्ट 1 मिनट। आई डोंट थिंक सो कि मुझे शायद ये प्रॉब्लम हो रही है। 1 मिनट, मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। ओके, सो हमने कनेक्ट कर लिया है। MetaTrader 5 मैंने खोला। ये एक डेमो अकाउंट है, असली अकाउंट नहीं है। असली अकाउंट में लॉग इन नहीं किया है। मैं सब करूंगा, मैं सीधे आपके सामने अकाउंट क्रिएट करूंगा। अगले वीडियो में दिखाऊंगा कितना डिपॉजिट किया, कैसे किया। तो ये सेटिंग्स, ये MetaTrader 5 नाम का ऐप है, ठीक है, MT5 ऐसे मिलता है। MT5, यहाँ पे आने के बाद अपन न्यू अकाउंट में एडिट करते हैं, और यहाँ पे करते, यहाँ पे सीधे सर्च करते हैं सर्वर वगैरह ऐसा। तो आपको ऐसा करके कंपनीज का नाम आने लगता है, तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट ऐड करते हो। फिलहाल ये एक डेमो अकाउंट है लिखा, आप हमेशा चेक कर सकते हो। डेमो राइट में लिखा है, डेमो लिखा है, देखो डेमो लिखा हुआ है, ठीक है। अभी ये डेमो का नंबर है। अभी यहाँ ट्रेड स्क्रीन पे आपका बैलेंस दिखा रहा है, ये आपको कोड्स दिखा रहा है, यूरो यूएसडी क्या चल रहा है, जीबीपी यूएसडी क्या चल रहा है ना। जैसे हमें ये हमारा चार्ट दिखा रहा है। अब ये चार्ट देखने की तो जरूरत है नहीं हम लोगों को, ऑब्वियसली बात है। ये एक एक मिनट का चार्ट दिखा रहा है अपन को। यहाँ पे मिनट्स चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे अपन ऐसा करके ये ला सकते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर लगा सकते हैं, बट ये सब करने की जरूरत है। पूरा का पूरा एनालिसिस आपको करना है कहाँ, TradingView.com पे करना है, ठीक है। और यहाँ पे आना है आपको, यहाँ पे आने के बाद जैसे ट्रेड लेना है, चलो मेरे को ट्रेड करना है, मेरे को बाय करना है, ट्रेड पे क्लिक किया यार। अब ये यहाँ पे क्या बोल रहे, स्टॉप लॉस तो सिंपल है, लगा देंगे, टारगेट भी लगा देंगे, डिविएशन आपको कुछ छोड़ देना है, उसको टच नहीं करना है। ये जो दिख रहा है ये क्या है ये? अब एक तो वहां पे रुपी नहीं, पिप थे, अब यहाँ पे क्वांटिटी नहीं मांग रहा है, ये लॉट साइज मांग रहा है। ये क्या होता है यार? आपको लॉट साइज डालने का मौका मिलता है यहाँ पे। ये 1 लॉट खरीदना है क्या, कि 0.1 लॉट खरीदना है क्या? 0.1 बहुत कम हो गया ऐसा लगता है, बट नहीं, मैं बताता हूँ क्या होता है 0.1 का। मतलब बेसिकली 1 लॉट का मतलब होता है 100,000। अगर 1 यूरो यूएसडी, तो 100,000 यूरो खरीद रहे हैं अपन, तो ये और कम कर लो, 0.1 मतलब कि 10,000, बट वो सब छोड़ो। 1 लॉट का मतलब क्या होता है? अगर मैं 1 लॉट बाय करता हूं, ठीक है, इसको हम रिमूव करते हैं, नो अभी स्टॉप लॉस, और चाहे तो बिना स्टॉप लॉस सर्किट गा सकते हैं, लगाने के लिए दिखा रहा। अगर मैं इसको बाय करता हूं आपके सामने, बाय, तो मैंने बाय कर लिया, अभी 1 बाय किया मैंने, तो अभी मूवमेंट जैसे जैसे इसमें आएगा, दिखा दिया मेरा ट्रेड लग चुका है मेरा, अचानक से यहाँ पे ये मेरे को ये प्रॉफिट, देखो यहाँ पे भी बैलेंस मेरा कम हो गया, मार्जिन कम हो गया, ठीक है। इसको हमने बाय कर लिया, इसको हम यहाँ पे ट्रेड पे आके 1 लॉट किया, इसको मैं 0.1 लॉट बाय कर रहा हूं अलग, 0.1, ठीक है, 0.1 मैंने बाय किया। अब देखो वो प्रॉफिट भी दिखाने लग गया, क्योंकि ये ऊपर बढ़ने लग गया, देखो दिख रहा है वो यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है, और गो, और अच्छा अब और ऐड करना है मुझे, गोल्ड ऐड करना। देखो अब ये देता है ऑप्शन अपन को, मेटल्स भी ऐड कर सकते हो चाहो तो, गोल्ड सिल्वर, ठीक है, क्रिप्टो भी ऐड कर सकते हो, इतने सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। इंडेक्स ऐड कर सकते हो, ऑस्ट्रेलियन, S&P 500, US मार्केट, एनर्जीज कर सकते हो, ब्रेंट ऑयल क्रूड, ठीक है, इस तरीके से कॉटन वगैरह, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉरेक्स में अपन आ गए, जैसे अपन को मान लो सिंगापुर डॉलर ऐड करना है, मैं डायरेक्ट ऐड कर दिया, यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, हो गया ऐड, वो कहाँ गया, कोट्स में नीचे आ गया सिंगापुर डॉलर। इसको अपन को बाय करना है अगर, तो लेट्स से अपन इसको 5, इसको अपन 2.5 लॉट। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, देखो हमने क्योंकि 2.5 लॉट किया था, उसमें लॉस $26 का दिखा रहा है, ये हमने 1 लॉट बाई किया था, $2 का प्रॉफिट दिखा रहा है, और ये तो सिर्फ 0.1 किया था तो भी इसमें इतना प्रॉफिट दिखा रहा है। मतलब USDCHF में अभी काफी ज्यादा नॉट ग्रोथ, USDCHF जो है, ये देखो USD चार्ट पे क्लिक करेंगे, अभी अभी ये मार्केट देखो बढ़ने लगा है, देखो कहाँ गया, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ हमने बाई किया है, इस जगह पे हमने बाई किया था, देखो इस जगह पे अभी मार्केट एक बुलिश स्विंग दे चुका है, लाइक दैट। तो इसमें ऐसे ट्रेडिंग होती है इस ऐप से। हम लोगों को देखो चार्टिंग तो अपन को TradingView पे करनी चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस टारगेट लगाना है तो यहाँ का चार्ट देख के स्टॉप लॉस टारगेट लगाना पड़ेगा।
ठीक है। तो ऐसे मैंने आपको इंटरफेस दिखा दिया, ये डेमो अकाउंट है, इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे करके अपन इस ट्रेड को, मैं सिर्फ ये खोला, क्लोज भी कर सकते हैं। क्लोज करने आए तो क्लोज करने का ऑप्शन दे रहा है, क्लोज कर दो, क्लोज कर दिया। जितने ट्रेड मैं क्लोज करते जाऊंगा, क्लोज कर दो, क्लोज कर दो, क्लोज हो गए। इसको भी क्लोज कर दो, क्लोज कर दो, बाय पे क्लिक कर दिया गलती से, क्लोज हो गया। तो सारा मेरी हिस्ट्री में आ जाता है कि आज मैंने इतना इतना $21 का लॉस किया है, अभी अभी तुरंत तुरंत करके दिखाया। तो बेसिकली ये क्यों किया मैं आपके लिए, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे वैल्यू जो है लॉट साइज जल्दी, तो ये लॉट साइज कैसे डालना है ये मैं आपको तुरंत अभी एक्सप्लेन करता हूं कि हाउ यू कैन चूज द लॉट साइज। ओके जस्ट वन मिनट। ओके अभी हमने अभी अभी पिप्स समझ लिया कि पिप्स क्या होता है गाइस, फोर्थ डिजिट जो होता है आफ्टर द डेसिमल वो पिप्स होता है। तो अभी पिप्स को मनी में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा एक लॉट साइज ठीक है क्या होता है एंड किस तरीके से काम होता है। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं, 0.1 लॉट साइज अगर है तो उसमें एक पिप के मूवमेंट में कितने डॉलर बनेंगे ये जानना है। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो पॉइंट है इसको इधर घुमा देना है, मतलब 1.0 कर देना है, तो ये डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या फिर से समझाता हूं, अगर लॉट साइज 0.2 है तो 0.2 है तो क्या करना है, अगर डॉलर में कन्वर्ट करना है तो इस डेसिमल को सिर्फ एक आगे बढ़ाना है, तो कितना हो गया क्या लगता है आपको, 2.0, मतलब $2। तो एक पिप मूवमेंट पे $2 मूव करेगा। मैं समझाऊंगा, आसान हो जाएगा, दो मिनट और टाइम लेते हैं। अगर फुल एक लॉट साइज में लेता हूं, एक लॉट साइज मतलब, और एक लॉट साइज कौन ले सकता है वो भी मैं समझाऊंगा आपको अभी कि किस तरीके से कौन एक लॉट साइज लेगा, कौन कितना अकाउंट साइज के हिसाब से लेंगे। अगर मेरा लॉट साइज 1 लॉट है तो 1 लॉट का मतलब 1.0 लॉट होता है ना, 1 का मतलब क्या होता है आप सबको मालूम है बेसिक, 1 मतलब 1.0 बोल रहा हूं मैं, 1 लॉट है तो एक डेसिमल को आगे बढ़ा देना है, क्या बनेगा वो डॉलर में, $10। एक पिप के मूवमेंट पे $10, दो पिप के मूवमेंट में $20, थ्री पिप्स मूवमेंट $30, 5 पिप्स मूवमेंट $50, 100, 10 पिप्स $100, 100 पिप्स $1,000। सो यू मेक $1,000 व्हेनेवर 100 पिप मूवमेंट कम एंड इफ यू हैव अ 1 लॉट, एक लॉट को स्टैंडर्ड लॉट कहते हैं। अगर मेरा मान लो 5 लॉट्स में यूज कर रहा हूं तो लगा लो एक जीरो आगे बढ़ा दो, $50 का मूवमेंट आएगा हर पिप ऑन एवरी पिप। अगर मेरा 0.65 लॉट है तो कितने भी लगा सकते हैं, 0.05 भी लगा सकते हैं, तो क्या करना है बढ़ा दो इसको डॉट को इधर, डॉलर में आ जाएगा, तो $6.5 ऑन ईच पिप विल बी माय प्रॉफिट और लॉस इन एनी केस। अगर मान लो मेरा लॉट साइज 0.01 है तो एक जीरो को यहां बढ़ा दो, क्या हुआ 0.1, मतलब $0.1 10 सेंट्स के हिसाब से मूवमेंट आएगी, सेंट्स के हिसाब से 1 सेंट 2 सेंट ऐसे मूवमेंट आएगी। ठीक है, एक लास्ट चीज पूछ के देखते हैं फिर समझ में, रियल एग्जांपल पकड़ते हैं, फिर एग्जांपल पकड़ के काफी हद से अच्छे से समझ में आएगा अपन लोगों को। अगर मान लो मेरा 2.35 लॉट्स है तो लॉट लिया है मैंने तो क्या होगा, एक जीरो यहां बढ़ा दो तो $23.5 का मूवमेंट आएगा ऑन ईच एंड एवरी पिप। इट्स दैट सिंपल, आई थिंक मैंने आपको समझा दिया। अब इसको एक रियल एग्जांपल लेते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझते हैं कैसे 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 होगा। ठीक है, लेट्स अज्यूम मेरे को यहां पे एक, मेरे को यूरो INR का यहां पे एक डबल बॉटम पैटर्न तो ये दे चुका है एक। अच्छा, इसमें टाइम फ्रेम कौन से यूज करते हैं, जैसे हम इंडियन टाइम फ्रेम, जैसे स्टॉक मार्केट में डेली, आवरली, हाफ, 30 मिनट्स, 50 मिनट्स देखते हैं, 5 मिनट्स, इसमें 5 मिनट्स नहीं देखते हैं। इसमें देखने का तरीका है आप डेली चार्ट ओपन करते हैं, ठीक है, डेली चार्ट ओपन करके एक पिक्चर लेते हो कि ओके मार्केट एक अप ट्रेंड में था, एक पुल बैक हो सकता है, फिर एक अप ट्रेंड चालू कर सकता है। फिर हम ओपन करते हैं 4 आवर का टाइम फ्रेम, 4 आवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम, 4 आवर में देखते हैं ओके मार्केट क्या कर रहा है, ओके कब ट्रेंड था, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, जा चुका है, अभी ऊपर आ रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, अभी भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होती दिख रही है और एक रीटेस्ट भी हो चुका है, मुझे मार्केट बुलिश लग रहा है। ठीक है, एक्चुअली मैंने मेरे दूसरे मोबाइल से, मतलब दूसरे अकाउंट में मैंने बाय भी कर रखा है यूरो यूएसडी, ऑलरेडी मैं बाय ट्रेड में हूँ इसमें,
ऑलरेडी इस समय में बाय ट्रेड में रह चुका हूं इसमें मैं ऑलरेडी। देखो ये दिख रहा है, और क्या कर सकते हो, 1 आवर टाइम फ्रेम खोलते हो फिर आप। अब 1 आवर टाइम फ्रेम खोल के क्या समझ में आ रहा है आपको, देख के समझ में आ रहा है कि मार्केट ने यहां पे भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा भी बनाया और एक ब्रेकआउट देने की काफी ज्यादा चांस है यहाँ पे। ऐसा करके आप इसमें एनालाइजेशन करते हैं। आपने को इंडिकेटर यूज में बहुत कम करता हूं मूविंग एवरेजेस, मैं अलग वीडियो बनाऊंगा देखो टेक्निकल्स के बारे में। अभी सिर्फ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि लेट्स अज्यूम ये मुझे एक बहुत ही अच्छा बाय लग रहा है, अगर मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है यहाँ पे और ये ब्रेकआउट दे गया है, तो अब अगर मुझे यहाँ पे बाय करना है, मैं एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, लॉन्ग पोजिशन मैं इसको यहाँ पे बाय करता हूँ और टारगेट मैं मेरा यहां तक का बनाना चाहता हूँ, स्विंग ट्रेड है यहां तक का वो जो टॉप है, और स्टॉप लॉस मैं ये जो रिसेंट लोज है ना इनकी विक के नीचे लगाना चाहता हूँ यहाँ पे सिंपल। तो ये मेरा प्लान है। तो देखो क्या है, रिस्क रिवॉर्ड 2.5 का है, कभी भी 1:1.5 के नीचे के ट्रेड नहीं कर रहे हैं, और स्विंग ट्रेड तो डेफिनेटली 1.2 से ऊपर ही होना चाहिए, 1.3 होना चाहिए हो सके तो, बट स्टिल इट्स अ गुड ट्रेड, गुड अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। तो कितने पिप्स का टारगेट है और कितने पिप्स का स्टॉप लॉस है, अगर मैं ऐसे पता करना चाहूंगा तो स्केल पकड़ूंगा एग्जैक्टली इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा और यहां पे ला करके लिखूंगा ये कितना लिखा है, कितने 23 लिखा है। तो मैं यहां आईपैड पे अभी दिखाऊंगा, आईपैड पे मैं यहां पे लिख रहा हूं, इन दिस यूरो यूएसडी ट्रेड द स्टॉप लॉस इज 23.9 पिप्स, उसको 24 पिप्स कह लेते हैं, ठीक है 24 पिप्स कह लेते हैं, 24 पिप्स मेरा स्टॉप लॉस है। मेरा टारगेट कितना है, ये स्केल को मैं फिर से ऐसे पकड़ूंगा, बाहर क्लिक करूंगा पहले तो स्केल को एग्जैक्टली जिस पॉइंट पे बाय किया वहां से लेके जाऊंगा, कितना पिप्स दिखा रहा है 50-60 पिप्स ले लेते हैं उसको, ठीक है। तो जो टारगेट को यहाँ पे टीपी बोलते हैं टेक प्रॉफिट, तो उसको 60 पिप्स बना दिया मैंने। अभी 60 पिप्स बनाने के बाद बस हाँ लग गया टारगेट, लग गया मेरा लगा दिया मेरा ट्रेड, इट्स ऑन राइट नाउ। अब क्या करना है, अब हमको समझना है अब हिसाब किताब पैसों का। अब पैसों का हिसाब किताब समझने के लिए वापस आईपैड पे लाता हूं। अब मैं आपको एक स्टैंडर्ड रूल्स बना के देता हूं अकाउंट साइज के हिसाब से। अगर $1,000 का अकाउंट है, 0.1 लॉट आपका स्टैंडर्ड लॉट है, 0.1 लॉट बोलने से हर पिप पे कितने डॉलर चेंज जाएंगे, एक जीरो बढ़ा दिए तो $1, ओके 1.0, तो $1 ऑन एवरी पिप, ये नंबर हमेशा याद रखना है आपको। अगर $10,000 का अकाउंट है तो 1 लॉट आपका स्टैंडर्ड है, ठीक, तो हर पिप पे कितने मूवमेंट आएंगे, $10 का मूवमेंट आएगा, इसको छोड़ के कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दोनों चीजें याद रखनी, 0.1 तो $1,000 का, अगर $2,000 का अकाउंट है तो 0.2, $2 एवरी पिप पे, $3,000 का अकाउंट है तो 0.3, $3 हर पिप पे, $7,000 का अकाउंट है तो 0.7, लेकिन कितने लॉट मैं लूंगा बताऊंगा, मैं बस एक याद कराने चाहता हूं, ये चीज को याद करो आप, थोड़ा इसको आप अंडरस्टैंड करो, इसको मैं यूज करके दूंगा आपको। आप लॉट साइज चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि उतना ही करना है, बढ़ा सकते हो, अपने रिस्क पर डिपेंड करता है। अगर $10,000 का अकाउंट है तो 1 लॉट आपका स्टैंडर्ड नंबर है कि भाई मेरा 1 लॉट, हमेशा एक एक 3 लॉट लेने हैं, एक एक करके 3 लो, लेकिन तरीका है एक मैं बता रहा हूं, $10,000 का अकाउंट है तो 1 लॉट लूंगा, एक कैलकुलेशन मालूम है कि एक पिप में $10 कमाऊंगा। $25,000 का अकाउंट है तो 2.5 मेरा स्टैंडर्ड है, हर पिप पे $25 में कमाता हूं, ठीक, एक स्टैंडर्ड मैंने ले लिया। अभी मैं स्टैंडर्ड मान रहा हूं कि हम लोग $1,000 के, मैं तो $10,000 के अकाउंट से स्टार्ट करने की सोच रहा हूं, बट देखता हूं, मैं अभी फिलहाल तो $1,000 के अकाउंट पे काम कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है, जब तक कि थोड़ा और एक्सपीरियंस गेन ना कर लो इस चीज में। तो $1,000 के अकाउंट की बात करते हैं आपको समझाने के लिए, तो 1.1 लॉट, ओके ठीक है, ओके $1,000 का अकाउंट है और ये मेरे कैलकुलेशन है, तो मेरा रिस्क कितना है, क्योंकि मेरा अकाउंट साइज $1,000 का है, मेरा लॉट साइज रहेगा 0.1, ओके अभी $1,000 का अकाउंट है तो स्टॉप लॉस अगर मैं खाऊंगा तो एक पिप पे कितना डॉलर, तो $24 का लॉस है, सिंपल है, और टारगेट मिलेगा तो $60 का टारगेट है, बढ़िया 1:2 से ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस मनी में कन्वर्ट हो गया। यही मान लो मेरा अकाउंट साइज $5,000 का होता तो मेरा स्टैंडर्ड लॉट साइज क्या होता, 0.5, मतलब हर पिप पे $5 का मूवमेंट, तो 24 पिप पे 24 into 5 कर लो, $120 का लॉस होता और $300 का प्रॉफिट होता अगर मेरा 5,000 का अकाउंट साइज होता। तो दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन। अब मैं इसको थोड़ा और बेटर करता हूं आपके लिए, मैं बोलता हूं कि
अपन सेट कर लेते हैं कि अगर $1,000 का अकाउंट है हमारा, क्योंकि लेवरेज इसमें काफी मिल रहा है, मैं जो आपको ब्रोकर दूंगा उसमें 500 तक का भी लेवरेज आपको मिलेगा, तो 500 का लेवरेज है तो आप $1,000 से मतलब कितने की ट्रेडिंग कर सकते हो, मल्टीप्लाई करो एक बार, 5,000, $50,000, $500,000 तक की, मतलब 5 स्टैंडर्ड लॉट तक खरीदा जाएंगे आपके इस अकाउंट में, खरीद सकते हो, लेकिन खरीदोगे और छोटा स्टॉप लॉस में अकाउंट ब्लो हो जाएगा। इसमें यही दिक्कत है फॉरेक्स में, फॉरेक्स में डिपॉजिट लगता है थोड़ा सा, पूरा लेवरेज मिल जाता है, अकाउंट ब्लो हो जाता है तुरंत तुरंत में, छोटे बड़े मूवमेंट में। इसलिए स्टुपिडिटी नहीं करनी है, मैं एग्जैक्टली बता रहा हूं आपको कैसी कैलकुलेशन करनी है। सेट कर लिया मैंने कि भाई मेरे को ना $50 का, $50 के ऊपर लॉस नहीं चाहिए, ठीक है, एक ट्रेड में। मैं एक साथ कितने ट्रेड ले सकता हूं, आई कैन मेक 2 to 3 ट्रेड्स एट द टाइम। आई विल सजेस्ट कि डोंट गो अबव 2 एज अ स्टार्टिंग, 2 ट्रेड के ऊपर ना जाओ, और रिस्क पर ट्रेड सेट कर लो $50 के ऊपर, मतलब 5% के ऊपर मैं एक ट्रेड में लॉस नहीं खा सकता, और प्रॉफिट करूंगा तो $10 का करूंगा, $100 का करूंगा, या 150 का करूंगा, या 200 का करूंगा, ऐसा प्लान करके चलना है। तो फिक्स कर दिया मैंने, चलो तो अभी मेरा लॉट साइज कितना 0.1 है, तो कितना लॉस होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, तो सिंपल है, $24 का, ओके, मतलब $24, तो यहां पे आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 0.2 लॉट ले लो आप, अगर स्टॉप लॉस भी हिट होगा तो $48 का स्टॉप लॉस होगा। तो ऐसे करके पोजीशन आप अपनी बढ़ाते हो। अगर स्टॉप लॉस की वैल्यू कम है, मान लो स्टॉप लॉस यहां पे सिर्फ और सिर्फ 10 पिप्स का है, तो भले $1,000 का अकाउंट है आपका, आपका $1,000 का अकाउंट है, अब 10 पिप्स का है तो $10 का लॉस है, अगर 0.1 लॉट लेते हैं तो, और 50 की मेरी लिमिट रखी है मैंने, तो कितने लॉट ले सकते हो बताओ, 0.5 लॉट, 0.5 लॉट लोगे और स्टॉप लॉस भी हिट होगा तो 50 का ही लॉस होगा, जो रिस्क पर ट्रेड आपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से सेट कर रखा है, कि ऐसे करके आपको लॉट बढ़ाने और कम करने सिचुएशन के हिसाब से, मतलब एक स्टैंडर्ड सेट करना है आपके मन में आपको, कि भाई $1,000 वाले का 0.1 है, $10,000 वाले का 1 है, और उस हिसाब से फिक्स कर लिया 5% मेरा लॉस है। अगर $10,000 का अकाउंट है मेरा मान लो, तो मैं सिर्फ $500 लॉस कर सकता हूं, तो मेरे को 10 पिप का, अगर मेरे को अगर 10 पिप का स्टॉप लॉस मिल गया तो मैं कितने लॉट ले सकता हूं, मैं 5 लॉट ले सकता हूं, राइट, तो 5 लॉट लूंगा, एक लॉट में $10 की मूवमेंट है, तो 10 into 50, तो फिर 500 का ही लॉस होगा। तो आप ऐसे इस तरीके से आपको चेंज करना है। तो चलो मैंने आपको, आई होप कि आपको मैंने समझाया कि एग्जैक्टली पिप्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम लोगों को, और जो हमने ट्रेड लिया, देखो वो अभी एक घंटे का टाइम फ्रेम इससे दिख नहीं रहा है, 5 मिनट खोल देते हैं तो एग्जैक्टली समझ में आएगा कि हो क्या रहा है अपने साथ ट्रेड में। तो एनीवेज आई होप मैंने आपको समझाया कि पिप्स क्या होते हैं, कितने पिप्स की मूवमेंट है, अभी हमारा कितना पिप बढ़ गया, यहां से जहां से बाय किया है अभी हमने 6 पिप्स कमा लिए हैं। मेरा लॉट साइज अगर 1 है तो 6, तो कितना, $60 में अभी तक प्रॉफिट में आ चुका हूं मेरे अकाउंट में। $60 मतलब कितना होता है, कर लो 4,000 रुपए के आसपास, 4-5,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है अभी, ठीक है। तो एनीवेज गाइज आई होप मैं आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इसका पिप्स क्या होते हैं, टेक्निकली कैसे, अब बाकी डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में बना करके दूंगा आपको, एक बार में इतना ज्यादा लंबा नहीं कर सकते वीडियो को, कि स्ट्रैटेजीज कैसे यूज करनी चाहिए फॉरेक्स में, ब्रोकर कौन सा यूज करना है, कैसे पे आउट लेना है, कैसे अकाउंट खोलना है, सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलो आई होप कि आपको समझ में आया व्हाट एग्जैक्टली इज फॉरेक्स, इसके फायदे क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, और हम इससे किस तरीके से लेवरेज यूज करके पैसे कमा सकते हैं, ओके। चलो गाइस, ओके, अब नाउ यू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे मैं पूरी इंफॉर्मेशन लाता हूं कि आप लोग भी चालू करो, ठीक है, और आप लोग भी स्टार्ट करो फॉरेक्स ट्रेड करना, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द आउटरो वीडियो। ऑलराइट, तो वीडियो देख लिया आपने, आई होप बहुत मजा आया होगा, एक पॉजिटिविटी आई होगी, यार बढ़िया है, एक नई चीज मेरे सामने आई है कि यार फॉरेक्स भी हम कर सकते हैं, राइट। अब अगला वीडियो मैं लाने वाला हूं कि मैं कौन सा ब्रोकर चूज करूं, 2 ब्रोकर मैंने चूज कर लिए, नाम अभी नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में नाम भी बताऊंगा, वेबसाइट भी दिखाऊंगा, पूरा का पूरा अकाउंट क्रिएट करके, ट्रेड लेके, लाइव ट्रेड करके, एग्जिट करके, पे आउट अपने अकाउंट में, सब कुछ लेवरेज यूज करके दिखाऊंगा। प्लीज हैव सम पेशेंस, जल्दबाजी मत करो, मेरे को टाइम दो। अभी मैं जैसे ही दूसरा वीडियो लाऊंगा, देखो एक ब्रोकर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है यार वो मार्जिन कितनी दे रहा है, ठीक है, अच्छी मार्जिन रहेगी और अच्छा एनालिसिस है
तो मार्जिन देखो, मार्जिन इज अ डबल एज स्वर्ड, दूसरे को भी मार सकते, खुद को भी लग सकती है, लेकिन अगर अच्छा एनालिसिस रहा तो अच्छा मार्जिन बढ़िया है ना यार, कहीं ना कहीं आपका कैपिटल, आपका एक कैपिटल प्रॉब्लम सॉल्व होता है, यू डोंट नीड $100,000 या फिर $1,000,000, आप कम अमाउंट में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कौन सा ब्रोकर लाना है, कैसा वो ब्रोकर रहेगा, सारी चीजें मैं अगले वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके देने वाला हूं, जिसको मैं ट्रस्ट करता हूं। मेन चीज होती है देखो लेवरेज और पे आउट, कि वो टाइमली पे आउट कर दे, कि ट्रस्टेबल कंपनी हो, और ऑब्वियसली फास्ट होना चाहिए। तो मैं जो नया लाने वाला हूं, जो ब्रोकर है MT5 MetaTrader 5 एप्लीकेशन पे काम करने वाला वो ब्रोकर है, ठीक है। तो जो भी है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, टिल द टाइम प्लीज इस वीडियो को सही से देखें, एंड अगर ये सीरीज पसंद आई, अगर फॉरेक्स में और चीजें चाहते हो मैं दिखाऊं, एक्सप्लेन करूं, बताऊं आप लोगों को, आई वॉन्ट यू टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल, एंड यस इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब। ये सब बोलना नहीं पड़ता यार, बट अब बोलना पड़ता है, क्योंकि बिना बोले के लोग करते नहीं है, राइट, करते नहीं, आप देख रहे हो वीडियो, लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज give me your response, कैसा लगा, in the comment section as well, and yes you can ask questions as well if you have, I'll try to reply those questions as well, okay, chalo guys, bye, I'll see you soon in the very next video, bye.